हेलो गाइस वेलकम बैक एंड वी आर बैक विद अ न्यू एंड ब्रांड न्यू टॉपिक ऑन साइंस सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट सो टुडेस टॉपिक इज एमिंग टू बिल्ड मॉलिकुलर न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आज के वर्ल्ड के वर्किंग में एक वेरिटेबल रेवोल्यूशन का रीज़न बन सकते हैं फिर भी उनका डेवलपमेंट इस फैक्ट से हिंडर रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आर्ट की प्रेजेंट स्टेट नीड से मैच नहीं होती है ब्रेन में न्यूरॉन के वर्किंग की कॉपी करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करने के डायरेक्शन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु आई के रिसर्चर्स ने कार्बनिक कंपाउंड्स का यूज़ करके न्यूरोमॉर्फिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन किया है जिनका यूज़ ब्रेन में नहीं किया गया है 2014 में उनके वर्क का एम इसी और था ऑर्गेनिक मटेरियल्स को पूरेस्ट मटेरियल कंसिडर किया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग कम्पोनेट्स बनाने में बिकॉज ये फ्रेजाइल और अनस्टेबल होते हैं उन्होंने इस मेथड को रेस के लिए हॉर्स के रूप में चूज़ किया बिकॉज उनका मानना था कि अगर इन परफॉर्मेंस ईशूज़ को सॉल्व करने का कोई तरीका था कि था तो इन मॉलिक्यूल्स इन मटेरियल से वह जो फंक्शनैलिटी इनके एक्सट्रैक्ट करते कर सकते थे वह किसी और चीज़ को उड़ा सकती है जो एग्जिस्ट करती है ऐसा डॉक्टर श्रीतोष गोस्वामी आई बेंगलुरु से कहते हैं उन्होंने और उनके कोलैबोरेटर्स ने 2017 से नेचुरल मटेरियल नेचर नैनो टेक्नोलॉजी एडवांस मटीरियल एंड नेचर में कई पेपर सबमिट किए हैं फील्ड में उस ऑर्गेनिक मटेरियल को इस्टेब्लिश करने से रिलायबली कंप्यूट कर सकते हैं और कुछ एस्पेक्ट्स में इनऑर्गेनिक मटेरियल के कंपैरिजन के में बेटर भी हैं डॉक्टर श्रीतोष गोस्वामी कहते हैं मोलिकुलर सिस्टम एजो एरोमेटिक एरोटिक लिंगेट्स का ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स उनके फादर प्रोफेसर श्री व्रत गोस्वामी के दिमाग की उपज है श्री व्रत गोस्वामी जो अब सी ई एन एस ई सेंस आई आई एस सी के साथ हैं अपने वर, वर्ड्स में कहते हैं ह्यूमन ब्रेन जिसने अपने काम काम में रिसर्चर्स को इंस्पायर किया लर्निंग कॉग्निशन एंड डिज़ाइन मेकिंग एबिलिटी में किसी भी आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग से मोर बेटर परफॉर्मेंस करता है इसकी रिमार्केबल परफॉर्मेंस सिर्फ ट्वेंटी वाट पावर का यूज़ करती है ओवर स्पेस ऑफ 1260 सीसी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि यह एग्जिबिट करता है जो कि डिजायरेबल हैं इंक्लूड इंटरकनेक्टेडनेस एंड रिकॉन्फिग्यूरेबिलिटी ब्रेन में न्यूरॉन्स हाईली नॉन लीनियर फीडबैक मैकेज़म के साथ क्या के वर्ज पर वर्क करते हैं वह ऐसे मटेरियल की सर्च में है जो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को कैप्चर कर सकते कर सके एक एल्यूजिव गोल जो प्रोफेसर श्री व्रत गोस्वामी के साथ एक्सप्लेन किया गया मॉलिकुलर मटेरियल को मॉलिकूल्स एंड आयंस के बीच इंटरेक्शन द्वारा कैरेक्टराइज किया गया जो तब पैरामीटर स्पेस का एक मल्टीडाइमेंशनल लैंड स्पेस प्रजेंट करते हैं जिसे सुटेबल फंक्शनैलिटीज डेवलप करने के लिए टी टिंकर किया जा सकता है एडवांस मटेरियल में पब्लिश एक रिसेंट पेपर में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वह यह था कि क्या वे इंस्ट्रूमेंट में प्लास्टिसिटी और रिकॉन्फिग्यूरेबिलिटी गेन करने के लिए इन मैनी बॉडी डायरेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं उन्होंने एक वाइड रेंज में टेम्परेचर के एक फंक्शन के टाइप में प्रेजेंट वोल्टेज कर्व को मेजर करने के द्वारा ऐसा किया वह फंक्शनैलिटीज़ कैप्चर करते हैं स्पैनिंग पाईपोला यूनिपोला नॉन वोलाटाइल एंड वोलाटाइल मैम मैम रिस्टोर में डॉक्टर शीतोष गोस्वामी के वर्ड में यह डिस्क्राइब करने के लिए यह एक इंसेन वेरिएबिलिटी है जिसका डिस्क्रिप्शन करने के लिए ग्रुप का एक मैथमेटिकल प्लेस रेडी करना था जो न्यूरोमॉर्फिक इक्विपमेंट्स में ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशंस को इनेबल कर सके। डॉक्टर शुतोष गोस्वामी कहते हैं एक ही इक्विपमेंट को एनालॉग और डिजिटल रिजाइम दोनों में ऑपरेट किया जा सकता है केवल एक्टिवेशन एनर्जी को ट्यून करके कंट्रोल करें चैलेंज यह भी था कि लो टेम्परेचर मीन मेजरमेंट के टाइम मॉलिकुलर मेमरिस्ट में स्विटिंग रिस्पॉन्स क्वेंज और फ्लैटेंड आउट ऑस टेम्परेचर वॉस लोवर्ड सेंस आई एस सी में पोस्ट डॉक्टर शांति प्रसाद रथ कहते हैं वह इससे वर्क कर सकते हैं क्योंकि उनके मोलिकुलर डिवाइसेस रोबस्ट हैं और स्विचिंग मैकेनिज्म में थर्मोडायनेमिक कंपोनेंट्स होता है जो तब भी होता है जब डिवाइस कूल हो जाता है डॉक्टर शांति एडवांस्ड मटेरियल में पब्लिश पेपर के फर्स्ट ऑथर भी हैं डॉक्टर श्रीतोष गोस्वामी कहते हैं कि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वह अपने मेटल कम्प्लैक्सेस के बेसिस पर एक फंक्शनल न्यूरोमॉर्फिक प्लेटफॉर्म डेवलप करने में सक्सेसफुल होंगे जो वर्ल्ड्स फर्स्ट मोलिकुलर न्यूरोमॉर्फिंग टेक्नोलॉजी बनेगी अभी क्लेस टॉपिक पे इतना ही गाइस हम आगे दूसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्लेंडर पिक्चर तो इस टॉपिक पे हम अब बात करेंगे इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए स्लेंडर पिचर प्लांट के ट्रैप को कौन पावर देता है ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक कार्निवोरस प्लांट स्लेंडर पिचर प्लांट नेफेंथिस ग्रेसिलस के लीथल वर्क को अनकवर किया बॉर्नियो के स्ट्रीम से भरे फॉरेस्ट्स में स्लेंडर पिचर प्लांट ने उन्हें अलाइव रहने और अपने नेबर से आगे निकलने में हेल्प करने के लिए इजी ट्रिक्स में से एक डेवलप किया है इसकी एलेबरेट कप के स्ट्रक्चर की लीव्स एक कैनोपी लाइक हैंगिंग लिट से एकड है जो फॉलिंग रेन ड्रॉप्स की हिट पर एंड्स के लिए डेडली स्प्रिंट बोर्ड में बदल जाती है फाइंडिंग बायोलॉजी लेटर्स पहली बार रिवील करते हैं कि डेडली स्प्रिंग कैसे वर्क करता है टीम को यह जानकर सरप्राइज़ हुआ कि स्प्रिंग बहुत दूर नीचे स्थित है ट्यूबलर पिचर वॉल के बैक में ट्यूब के पीछे से ऑफ सेंटर लोकेशन के दो इफेक्ट्स होते हैं सबसे पहले यह स्प्रिंग डायरेक्शन को डिपेंडेंट बनाता है और रिजल्ट्स के रूप में लिड आसानी से नीचे चला जाता है लेकिन ऊपर नहीं जब ड्रॉप्स हिट करती हैं तो लिड तेज़ी से नीचे की ओर तेज हो जाता है इसके नीचे बैठे किसी भी इंसेक्ट को फ्लूड कंपाउंड से भरे ट्रैप में फड़फड़ाता है एक रिलीज में कहा गया है कि हालांकि ऊपर जाने पर स्प्रिंग का इंक्रीज रेजिस्टेंस लिड को स्लो कर देता है जिससे यह फास्ट चलना बंद कर देता है और ट्रैप फिर से कैप्चर करने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है सेकंड ऑफ सेंटर स्प्रिंग लिड को ट्विस्ट होने या वॉबलिंग से रोकता है जिससे इम्पैक्ट एनर्जी का ट्रांसमिशन डाउनवर्ड मोमेंट को मैक्सिमाइज होता है जियोमेट्री का यह क्लेवर यूज़ नेपिन्थेस ग्रेसिलस को ओनली नोन प्लांट बनाता है जो एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड गेन करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का यूज करता है पूरी तरह से मेटाबॉलिक कॉस्ट से फ्री है तो अभी तो, इस टॉपिक पे इतना ही गया सो तो आपने देखा कि नेपिथिस ग्रेसिलस कितना डेडली प्लांट होता है और इंसेक्ट्स के लिए ये किसी भी ब्लैक होल से कम नहीं है जिससे ये कभी वापस नहीं आ सकते अभी के लिए इस टॉपिक बिटने का तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल प्रेस द बेलाइकन आ रेगा तो